वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेसेना कॉर्डिलाइन की, जिसे ड्रेसेना महात्मा भी कहते हैं और कॉमनली ड्रेसेना। तो ये बहुत ही बढ़िया अट्रैक्टिव कलरफुल कॉमन ऑर्नामेंटल प्लांट है। ये आपके गार्डन की सुंदरता को बहुत बढ़ा देता है। बहुत बहुत खूबसूरत प्लांट है। इसकी लीव्स आप देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव इसकी लीव्स होती हैं। ये ट्रॉपिकल रीजन का प्लांट है, इसीलिए ये गर्मियों में काफ़ी अच्छा चलता है, सर्दियों में भी ठीक चलता है, बस थोड़ी बहुत केयर हमें करनी होती है। इस पौधे की बात करें तो ये पौधा कहा जाता है कि इससे गुड लक आता है, गुड लक प्लांट है। आप इसे इंडोर आउटडोर किसी भी जगह रख सकते हैं, मैंने आउटडोर ही रखा है और ये बहुत बढ़िया चलता है। और इसको आप प्रोपोगेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, इसके नीचे बहुत सारे जो बेबी प्लांट होते हैं वो निकल आते हैं, आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इजी मेथड है, आप इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसकी 2-3 कटिंग ग्रो करी है, आपको दिखाती हूँ। तो ये पहली कटिंग है जो मैंने इसकी आजकल ही ग्रो करी है। ये इसको करीब करीब 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं इस कटिंग को ग्रो किए हुए, और ये कटिंग काफ़ी अच्छी चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत हेल्दी लग रहा है प्लांट। और अगर मैं आपको इसकी रूट्स दिखाऊं तो एक मिनट, आप यहाँ से आप देख सकते हैं इसमें अभी रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, तो बहुत आसानी से लग जाता है। सिर्फ मैंने इसको 1.5 से 2 महीने हुए होंगे और आप ये देख सकते हैं इसमें रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैंने ज़रा सा मिट्टी को हटा के दिखाया है आपको। तो इस तरह से आप कटिंग से इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है, इजी टू केयर है, इजी टू मेंटेन है। कोई इसमें एक्स्ट्रा आपको अगर मैं कहूँ तो मैं फर्टिलाइज़र वैसे भी ऐड नहीं करती हूँ प्लांट्स में। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है आपके घर का, जो किचन वेस्ट होता है, उससे आप कंपोस्ट बना सकते हैं, उसको ऐड कर सके हैं। और इसके अलावा जो नेचुरल NPK होता है, जैसे बनाना पील हो गया, अनियन पील हो गया, चाय पत्ती आप सुखा के फिर से इसको खाद के रूप में गमलों में डाल सकते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। इस प्लांट को मैंने डिवाइड भी किया है, तो ये मेरे घर के बाहर का एक सीन है। मेरे घर के बाहर भी मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हैं, यहाँ पे भी मैंने एक इसकी कटिंग लगाई है। एक्चुअली कटिंग नहीं, मैंने इसको डिवाइड किया है। तो ये वो बेबी प्लांट है जिसको मैंने उस मेन जो मदर प्लांट है उससे डिवाइड किया है। यहाँ पे और भी कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं, जेरेनियम की है और ये क्रोटोन की कटिंग आप देख सकते हैं। ये सारे कटिंग से लगाए हुए हैं, बाहर मैं जितने भी प्लांट लगाती हूँ सब कटिंग से लगाए होते हैं, एलोवेरा को छोड़ के। एलोवेरा लेके ही आई थी, उसकी कटिंग वैसे भी नहीं लगती आसानी से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, अब इस प्लांट की हाइट लगभग 3 से 10 मीटर तक हो जाती है। अगर आप बाहर लगा रहे हैं, खुले ग्राउंड में लगा रहे हैं, तो 10-10 मीटर तक की हाइट भी ये प्लांट आसानी से ले लेते हैं। और अगर आप गमले में लगा रहे हैं तो आसानी से 2-3 मीटर या फिर उससे ज़्यादा भी ये प्लांट हो जाते हैं। अगर मिट्टी की बात करें तो वेल ड्रेन्ड सॉइल इस प्लांट के लिए अच्छी है। रेत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल आपको करना चाहिए, क्योंकि रेत गमले को एकदम सॉगी नहीं होने देती है, सारे पानी को रिस लेती है या फिर उसको ड्रेनेज होल के ज़रिए वो आसानी से पानी बाहर निकल जाता है। और रेत के अलावा आप थोड़ा बहुत कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर जो आपकी गार्डन सॉइल है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए मैंने इस गमले में भी मल्चिंग की हुई है, तो मल्चिंग आप कर सकते हैं। ये मुझे लगता है, पर्सनली मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। इन गमलों में मैंने अभी की नहीं है, लेकिन करने वाली हूँ 1-2 दिन में, तो मल्चिंग आप ज़रूर कीजिए। कुछ भी ड्राई लीव्स पड़ी होती हैं सुबह सुबह, या फिर कुछ फूल सूख जाते हैं, उनको निकाल दिया गमले में, फिर से डाल दिया, और बड़े बड़े पेड़ों के नीचे तो काफ़ी मात्रा में जो ये मल्च होता है पड़ा हुआ होता है, आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं और अपने गमलों में डाल सकते हैं। इसकी वजह से आपके गमले सेफ रहेंगे विंटर्स में भी और समर्स में भी, दोनों सीजन में मल्चिंग बहुत यूज़फुल होती है। हाँ, बस जो ये वीड्स होती हैं उनको ग्रो मत होने दीजिए, और क्योंकि ये पौधे से न्यूट्रिशंस ले लेती हैं, तो वीड्स को हटा दीजिए, बाकी मल्चिंग आपको करनी है। सर्दियों में क्या करें, बाकी ड्रेसेना प्लांट की तरह आप इसको शेड वाले इलाके में रखें, सेमी शेड इलाके में, जहाँ पे दिन में 3 से 4 घंटे की धूप इसको पड़ सके। देखिए कल परसों तक एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया, लास्ट वीडियो में, ये प्लांट नीचे था, अब मैंने ये प्लांट ऊपर रख दिया है और ये अब शेड में है। इसके अलावा जो बाकी प्लांट है उनको भी शेड में रखा है, बस जो आउटडोर प्लांट है वो घर से बाहर ही है तो शायद चल जाए, पर इतना भी हमारे यहाँ कंडीशंस एकदम मॉडरेट है, यहाँ चल जाते हैं प्लांट। गर्मियों में भी ये प्लांट बाहर ही रहे हैं, और आप देख सकते हैं इनकी पत्तियों पे कोई खास असर हुआ नहीं है, पत्तियाँ इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं।
और इस तरह से आप इसकी थोड़ी बहुत देखभाल कर सकते हैं। विंटर्स में थोड़ा बचा के रखिए, जहाँ पे 3 से 4 घंटे की धूप हो, और बाकी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा केयर की आपको ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र बिल्कुल अवॉइड करना है विंटर में, ये आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है। विंटर्स में फर्टिलाइज़र बिल्कुल देते ही नहीं है प्लांट्स को, प्लांट्स का स्लीपिंग टाइम होता है एक तरह से ये, तो इस टाइम आप इनको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दें, बस चलने दें जितना चल रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ इस टाइम बहुत रुक जाएगी, ग्रो नहीं करेंगे आपके प्लांट्स ज़्यादा, लेकिन बने रहेंगे और ख़राब नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इससे मोटिवेशन आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।